दुर्ग शहर के विभिन्न वार्डों में व्याप्त समस्या के निराकरण के लिए सभी 60 वार्डों में जन समस्या समाधान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसका अवलोकन करने पहुंचे शहर विधायक व महापौर ने भूपेश बघेल सरकार का आभार जताया। साथ ही अपनी तीखी प्रतिक्रिया में भाजपा को आड़े हाथ लेते हुए भाजपा को मुद्दा विहीन करार दिया। महापौर ने कहा कि भाजपा पहले खुद का आकलन करे। दुर्ग नगर पालिक निगम सीमांतर्गत शहर के विभिन्न वार्डों में व्याप्त समस्या के निराकरण के लिए सभी 60 वार्डों के क्लस्टर में जन समस्या समाधान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में सोमवार को दुर्ग के गुरु घासीदास वार्ड के अंबेडकर भवन में मंगलवार में शिविर लगाया गया। शिविर में विधायक अरुण वोरा, महापौर धीरज बाकलीवाल, निगमायुक्त हरेश मंडावी ने लोगों की समस्याएं सुनी। इनमें सबसे ज्यादा आवेदन प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित रहे, जिसे मौके पर ही संबंधित अधिकारी को निराकरण करने के लिए प्रेषित किया गया। आवेदन आबादी पट्टा के सक्षम अधिकारी को भेजा गया। बाकी अन्य विभाग से प्राप्त आवेदनों को पेंशन विभाग, लोक कर्म विभाग, साफ सफाई विभाग, लाइसेंस विभाग को त्वरित निराकरण हेतु भेजा गया। इस अवसर पर शिविर में पहुंचे शहर विधायक अरुण वोरा व महापौर धीरज बाकलीवाल ने भाजपा को आड़े हाथ लेते हुए अपनी प्रतिक्रिया भी दी और कहा कि भारतीय जनता पार्टी मुद्दा विहीन हो गई है और वो अगर शहर का विकास चाहती है तो कांग्रेस के साथ मिलकर काम करे। इसके लिए वोरा ने भाजपा के लोगों को खुला आमंत्रण भी दे दिया, तो वहीं दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल ने भाजपा पर निशाना साधते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी। 8 मई से नगर निगम दुर्ग के द्वारा जन समस्या निवारण शिविर हर वार्ड में लगाया जा रहा है और जो समस्याएं सामने आ रही है उसका तत्काल निराकरण किया जा रहा है और जो समस्याएं थोड़ी लंबी है उसके लिए परीक्षण करके उसको भी निपटारे के लिए आदेश दिए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये जो जन समस्या निवारण शिविर है उससे लोगों को बहुत फायदा हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से मुद्दा विहीन हो गई है, उनके पास तो कोई मुद्दा ही नहीं है। अब 15 साल तक उन्होंने कुछ नहीं किया, 3.5 साल में हमारे प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल जी जो कार्य कर रहे हैं और हर नगर निगम क्षेत्र में वो राशि दे रहे हैं, खासकर दुर्ग में तो काफ़ी राशि मिली है हम लोगों को विभिन्न कार्यों के लिए, न केवल नगर निगम क्षेत्र नगर निगम के लिए बल्कि अन्य विभागों के लिए भी राज्य सरकार से हमको राशि मिली है, जिसके लिए हम लोग लगातार भारतीय जनता पार्टी के शासन में मांग किया करते थे। और भारतीय जनता ये प्रक्रिया है प्रजातंत्र में, धरना प्रदर्शन तो हम लोग भी किया करते थे और हम लोग वास्तविकता में जाकर करते थे। यहाँ पर तो वास्तविकता कुछ दिखलाई दे नहीं रही है, सारे काम हो रहे हैं, अब भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, सड़क नाली बिजली पानी ये सारे काम हो रहे हैं, अब वो क्या बोलेंगे तो वही बता सकते हैं। देखिए, मैंने आपसे अभी कहा कि कांग्रेस की सरकार आने के बाद जो कार्य हमको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में स्वप्न लगा करते थे वो स्वप्न अब साकार हो रहे हैं। हम सोचा करते थे कि हमारे शहर का मुख्य मार्ग बहुत अच्छा हो, चौड़ा हो, सौंदर्यीकरण हो, तो 64 करोड़ रुपए की राशि भूपेश बघेल जी ने स्वीकृत की। उसके बाद हमने ये जो आपका शंकर नाला है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हर वर्ष एक व्यक्ति की डूबकर मौत होती थी, हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कहा, विधानसभा में इस बात को रखा, तो लगभग 14 से 15 करोड़ रुपये की लगभग राशि हमको प्राप्त हुई, उसका निर्माण कार्य किया जा रहा है। और ये जो ठगड़ा बांध जो बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है उसके लिए भी राशि 14 करोड़ रुपए की मिली और उसका काम अब लगभग पूर्णता की ओर है, कुछ समय बाद वो दुर्ग को समर्पित किया जाएगा, जो कल्पना थी केवल भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में। अभी स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप देखे होंगे कि दुर्ग हॉस्पिटल जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है संभाग मुख्यालय का, 500 बेडेड हॉस्पिटल है, वहाँ पर लगभग 11 करोड़ की लागत से सर्जिकल वार्ड बना, ऑक्सीजन प्लांट बना और अभी मुख्यमंत्री से हमने मांग की थी कि दुर्ग बहुत बड़ा क्षेत्र है, संभाग मुख्यालय, पूरे ज़िले से लोग यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर एक सर्जिकल क्रिटिकल केयर यूनिट की आवश्यकता है। तो जैसे हमने उनसे मांग रखी और उन्होंने तत्काल उसमें 24 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी, तो 24 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पर क्रिटिकल केयर यूनिट का निर्माण हो रहा है। और क्या चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, खुद तो कुछ किए नहीं और जो कर रहे हैं
वो भी उनको अच्छा, हम तो ये कहते हैं कि वो हमारे साथ आ जाए। भारतीय जनता पार्टी वाले विकास की केवल बात करते हैं, कांग्रेस विकास करती है। मेरा उनको खुला मंत्रण है कि हमारे साथ आए और हम लोग मिलकर विकास करेंगे। क्यों अछूते दूर दूर घूमते हैं वो? दुर्ग शहर लगातार विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। कोरोना काल जैसे कठिन समय के बाद भी दुर्ग का विकास कभी रुका नहीं। लगभग 150 से 200 करोड़ का काम दुर्ग नगर निगम क्षेत्र में कार्यरत है, जो लगभग 100 करोड़ के आसपास का कार्य पूर्णता की ओर भी है। इसलिए जो 20 साल कुछ नहीं किए वो आप पूछते हैं कि क्या हो रहा है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। देखिए, पहले खुद का आकलन करना चाहिए, फिर किसी दूसरों के ऊपर कुछ कहना चाहिए। हम लोग विकास की बात करते हैं और विकास करते हैं। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, जब कोरोना काल के समय दुर्ग शहर जल रहा था तब आप कहाँ थे? आपकी विकास निधि का कितना राशि दुर्ग नगर निगम क्षेत्र में आपने खर्चा किया है, पहले जनता को ये बताइए। अब चुनाव आ रहा है, 1.5 साल पहले आप अचानक सामने आके इस टाइप की बात करेंगे तो ये ठीक नहीं है। फिलहाल पूरे प्रदेश में शहर सरकारों द्वारा लगाए जा रहे जन समस्या निवारण शिविरों में आम जनमानस की समस्याओं का निवारण त्वरित रूप से किया जा रहा है, जिसका असर विपक्ष में बैठी भाजपा पर देखने को मिल रहा है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।